जी जोहर, नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं बीएनबी की ताजा तरीन खबरें। आइए आज आप सबको लेके चलते हैं गांडे प्रखंड के मरगुडी गांव, जहां पर बताया जाता है झारखंड आंदोलनकारी रहे बेबाक स्वर्गीय धनेश्वर मंडल के पांचवी पुण्यतिथि मनाया गया। परिजनों के साथ साथ सभी ने दिया श्रद्धांजलि। बताया जाता है जेएमएम नेता रहे स्वर्गीय धनेश्वर मंडल की पांचवी पुण्यतिथि गांडे प्रखंड के मरगोडी स्थित पैतृक व स्मारक स्थल में पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश परमा, जिला अध्यक्ष संजय सिंह व अन्य कई गणमान्य उपस्थित होकर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दिया। पुण्यतिथि समारोह में विधायक ने कहा कि पार्टी के नेता स्वर्गीय धनेश्वर मंडल झारखंड राज्य अलग आंदोलन के अगुआ नेताओं में एक थे। पार्टी में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन के साथ हर आंदोलन में साथ निभाया, बिना किसी स्वार्थ के पार्टी को महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि गांडे विधानसभा अनारक्षित सीट होने के बाद भी स्वर्गीय झारखंड सोरेन चार बार विधायक रहे और उसमें सबसे बड़ा योगदान धनेश्वर बाबू का रहा था। वे अपने संघर्ष के बदौलत हमेशा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के चहेते रहे। भाजपा के पूर्व विधायक रहे प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने कहा कि जेएमएम में स्वर्गीय धनेश्वर बाबू के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। अलग राज्य के आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज भी झारखंड राज्य के कई आंदोलनकारी दूसरे दलों में, उन्हें पार्टी में लाने की जरूरत है। इसके पूर्व सभी नेताओं ने स्वर्गीय धनेश्वर मंडल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह, महालाल सोरेन, दिलीप मंडल, भैरो वर्मा, साकेत मोहम्मद अकबर, नूनूराम किशकुर टाइगर, प्रमुख राज पाठक, उप प्रमुख किशोर मुर्मू, बबली मरंडी, नीलकंठ मंडल, शंकर मंडल, सुधीर मंडल, मुखिया चंद्रकांत मंडल, चांदो मंडल, पवन मंडल, क्रांतिकारी सिकंदर मंडल, शिक्षक राम प्रसाद मंडल, मुखिया प्रतिनिधि जितेंद्र मंडल, पूर्व मुखिया हरि मंडल, सनातन चोड़े, महेंद्र मंडल, शिक्षक मुख्तार अंसारी, उस्मान अंसारी, बेजू राणा, राजू मंडल, तेजलाल मंडल, विभूति भूषण सहित कई अन्य सैकड़ों लोग मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम का मंच संचालन चांदमल मरंडी, भैरो वर्मा, ध्रुव पंडित ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन स्मारक समिति के अध्यक्ष उस्मान अंसारी ने किया। आइए देखते हैं इस मौके पर किसने क्या कहा। तो फिर बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। बना रहे हैं, विकास कर रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। निश्चित रूप से धनेश्वर बाबू गुरु जी के आंदोलन में अगली पंक्तियों में रहने वाले नेता थे। मंत्री जी भी बैठे हैं यहाँ पर, हमारे महाराज जी समय पड़ेंगे। और धनेश्वर बाबू से हमारे मैं तो धनेश्वर बाबू ही कर सकता व्यक्तिगत संबंध। पार्टियां अलग थी और होती हैं, लेकिन अपना जो संबंध है वो तो रहता ही है। और कई कई मुद्दों पर कोर्ट में, कचहरी में, प्रशासन के सामने जो आंदोलन करते थे, अपनी बातें रखते थे, तो निश्चित रूप से भी हम लोग भी इनका समर्थन क्या करते थे। और ऑफ एंड ऑन काफी चर्चा होती थी। एक सज्जन व्यक्ति थे, अच्छे आदमी थे, जुझारू थे और गरीबों के प्रति उनकी बड़ी अच्छी भावना थी, दबे कुचले लोगों के प्रति। आज के समय में ऐसे लोग बड़े कम मिलते हैं। हम लोग अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं, स्वार्थ व्यक्ति थे। और ये इलेक्ट्रॉनिक का ये युग है, मीडिया के लोग हमारे सामने खड़े हैं, तो बहुत लोग चाहते हैं कि तेजी से छलांग लगा करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम बहुत भारी नेता बन गए, लगता है ये समय आ गया। हाँ हाँ, सही बात। तो अब ये जो पुराने लोग जिन्होंने मार्ग दिया, मार्गदर्शन दिया, बताया रास्ता बताया, उनके उनके गुजरे हुए पन्नों में उलट के हमको और आपको सबको देखा था। और खास के उन लोगों को शाकुन बाबू के पुत्र भी बैठे हैं, हमारे साथी हैं, अजमान साथी हैं, उनसे बात की खुशी रहती है। टाइगर से मैं सहमत रखता हूं कि जो सरकार, उसका नेतृत्व हेमंत बाबू कर रहे हैं, गोविंद जी,
कच्चे मुख्यमंत्री अच्छा काम करना चाहते हैं, झारखंड को आगे ले जाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी जो पुरानी समस्याएं हैं उसको समाधान करना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो विपक्ष के लोग हैं खुलकर कहना चाहता हूं कि जिनकी सोच के काम को भी चाहे कोर्ट के माध्यम से चाहे भारत सरकार का इंटरवेंशन करके या राज्यपाल का सहारा लेके उस कानून को वापस दिलवा दिया सकते हैं। आपने पिछले सालों में देखा होगा अच्छे अच्छे काम योजनाएं बेरोजगारी दूर करने के लिए या कि नीति निर्धारण करने के लिए जो भी कानून बनाया गया सरकार ने बनाया कि उसको किस तरह से कोर्ट का सहारा लेकर तोड़ मोड़ करके उस भी जो भारत सरकार दिया जिसमें भारत सरकार पेपर वेट बनकर बैठ गई उसका कोई निष्पादन नहीं हुआ और उनके प्रतिनिधि राज्यपाल जो पहले वाले थे और जो अभी वाले का भी वही हाल ये लगता है कि पंचायत स्तर के चुनाव कभी लड़े हैं कभी लड़े मुझे नहीं मालूम के और इस तरह से माने कैसे सरकार काम नहीं करे कैसे इसको रोका जाए गरीबों के हित में सरकार करना चाहती है मजदूरों के हित में जो करना चाहती है नौजवानों के हित में जो करना चाहती है प्रयास हो रहा है फिर भी ऐसी अवस्था में आप देख रहे हैं कि जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं उसमें झारखंड के लोगों को नौकरी देने का प्रयास हो रही है। कानून बनाया गया है कि प्रत्येक कंपनी प्रत्येक फैक्ट्री दो घंटे उसमें 75% मुनाफा रखा जाएगा। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगी, चर्चा हमारे चाहे बाबू ने उन्होंने साथियों को दिया। मैं आपसे इतनी निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो लोग एक बार हम याद कर रहे हैं तो ये रास्ता हमार करते गए हैं तो रास्ता दिखा कर गए हैं चाहे वो प्यार मोहम्मद का रास्ता हो आंदोलन का रास्ता हो इन रास्तों को समझना और उस पर चलने के लिए हमको और आपको प्रयास करना चाहिए यदि हम आगे बढ़ सकते हैं झारखंड अभी सभी चिंता ठीक नहीं है क्योंकि आज के दिन में अपराना मेरा निवास था दिलीप बाबू जो इसका आयोजन सफाई करते हैं हम सबों को याद करते हैं बुलाते हैं एक उस पर हम लोग बात करते हैं दिलीप बाबू को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि जब भी आप कभी दिलीप बाबू याद करोगे संघर्ष करते रहे आंदोलन खड़ा करते रहे आम गरीब गुरबा जनता के बीच जाते रहे और आंदोलन की बातें और संघर्ष की बातें लगातार लोगों के बीच में करते रहे और संघर्ष जो करना चाहते थे आंदोलन जो करना चाहते थे वो आंदोलन और संघर्ष इसलिए करते थे कि अलग झारखंड राज्य का जब निर्माण होगा तो यहाँ झारखंड के लोगों को न्याय मिलेगा झारखंड के लोगों को जो अधिकार है यहाँ के जल जंगल और जमीन पर जो उनका हक मिलना चाहिए उन तमाम चीजों को लोग प्राप्त कर सके और बेहतर जीवन जी सके। हर एक मानव चाहता है हम बेहतर जीवन जिएंगे तो आप लोगों को हम लोगों को इस धरती पर एक अच्छा जीवन देने के लिए अगर जो संघर्ष करने वाला कोई नाम है तो वो धनेश्वर बाबू है। मैंने देखा था हम पहले आते थे हम मिलते थे हमारे चाचा रीतलाल प्रसाद वर्मा जी दूसरी पार्टी में हुआ करते थे और उसी के चुनाव प्रचार के अभियान के अलावा दूसरे कार्यक्रमों में भी कभी भी हम लोग आते थे तो सभी लोग कहते थे कि अगर कांग्रेस तरफ जा रहे हैं तो धनेश्वर बाबू से जरूर मिलिए। हम जानते थे कि दूसरी पार्टी में रहते हैं फिर भी हम लोग इनके पास बैठते थे मिलते थे बात करते थे और कभी भी इनके बातों से ऐसा नहीं झलकता था कि नहीं दूसरे लोगों से ये अच्छी से बात नहीं करना चाहते। ये सभी का सम्मान करते थे। राजनीति अपने विषय पर होता था परंतु सभी का सम्मान करते थे हम लोगों की बात को सुनते थे और इनके मन में जो भावना होती थी उस भावना को व्यक्त करते थे और वो कहते थे कि जयप्रकाश बाबू निश्चित रूप से हम लोगों की विचारधारा अलग है हम झारखंड राज्य के निर्माण की लड़ाई लड़ने वाले संघर्ष के योद्धा हैं और हम अपना काम करते हैं आप अपना काम करते हैं इसीलिए आप जनता से मिलिए जनता से अपनी बातें रखिए
जनता आपको पसंद करेगी तो निश्चित रूप से आपके चाचा को मतदान होगा, परंतु मुझे अपने विचारधारा के साथ संघर्ष करने दीजिए, मुझे अपने लड़ाई के साथ जीने दीजिए, मुझे आगे बढ़ने का अवसर जो है, हम समाज को जो दिशा देना चाहते हैं, जो समाज का उत्थान करना चाहते हैं, हम गरीबों का जो कल्याण करना चाहते हैं, वो कल्याण का अवसर हम लोगों के लिए निकाल रहे हैं, हमें अपने ही अवसर में अपने ही रास्ते पर चलने का मौका दीजिए, हम वहां चलेंगे। तो हम कभी इस प्रकार का संघर्ष हमने देखा, बहुमत से गिरी में भी मुलाकात होती थी, कभी कोर्ट में कभी कचहरी में, और हम पूछते थे हम यहाँ क्या कर रहे हैं, तो यहाँ बोलते थे कि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, जिन पर कोई मुकदमा है, जिनका कोई जमीन छीन रहा है, जिनका कोई हक छीन रहा है, वैसे लोगों के लिए न्याय के लिए हम कोर्ट में आते हैं और वह उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई करते हैं। तो मतलब हर विषय में लगातार वो कोशिश करते थे। अभी लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार के विषय में अगर कोई सोचता था कि कैसे हम इस प्रखंड को भ्रष्टाचार से मुक्त करें, कैसे इस बीड जिला को भ्रष्टाचार से मुक्त करें, तो इसके लिए लगातार लड़ाई लड़ते थे। वो कभी भी BDO, CEO, दरोगा, DC, SP किसी से डरते नहीं थे। गुरु जी के आंदोलन के क्रम में उनके कंधे से मिलाकर इस क्षेत्र में खासकर गिरिडीह जिले के सुदूर तीसरे पेटा तमाम प्रखंडों में उन्होंने जो अलख जगाई थी, जो लड़ाई लड़ी थी, जो दमन के विरोध, शोषण के विरोध और जो समाज में कुरीतियां थी उसके विरोध, उसके परिणाम स्वरूप आज झारखंड राज्य अलग तो हुआ, परिसरदा का संघर्ष, उनका जीवन जो आज उल्लेखनीय रहा है, आज हमारे लिए समाज में एक आदर्श है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा परिसरदा के किए गए कार्यों को, आज भी उनके संघर्षों को याद करता है। कई साथियों ने, माधव सोरेन जी ने, टोरी जी ने, बलदेव पुरी जी ने, कई साथियों ने उनके साथ उनके संघर्ष को याद करके नमन किया था। एक साथी वक्ता ने कहा कि आज से 20 साल पहले गांधी प्रखंड में भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं था, लेकिन आज व्यवस्था में भ्रष्टाचार का व्याप्त है, काफी भ्रष्टाचार का दुर्माला है। तो साथी, उस समय के संघर्ष को भरेसरदार के संघर्ष से, झारखंड मुक्ति मोर्चा की लड़ाई से, खासकर गांधी प्रखंड हो या जिले के अन्य प्रखंडों में कार्यालयों में हमको भी याद है। हम लोग भी जब अलग राज्य के आंदोलन में कार्यालयों में जाते थे, सरकारी कार्यालयों में जाते थे, तो अधिकारी और कर्मचारी सहमत रहते थे, उनको लगता था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग आए हैं, निश्चित रूप से हमारे कार्यों पर निगरानी रखते हैं। साथ ही चूंकि भ्रष्टाचार समाज के एक बड़ा अभिशाप बना हुआ है, उसमें जब तक समाज के अंतिम पायदान तक जो पंचायत के स्तर से जो भ्रष्टाचार का जो मनरेगा का योजना हो या तमाम ऐसी योजना है, वैसे जवाब दे लो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे सरकारी कर्मी हो, चाहे कोई समाज की सेवी हो, तमाम लोगों की जवाबदेही है कि ऐसे त्रुटियों का विरोध करे। जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक इसका विरोध नहीं करेंगे, अपने हितों को लेकर अगर जो लड़ने की बात होती है, तब तक हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ सकते हैं। अपने हितों की अनदेखी करनी होगी, लड़ाई लड़नी होगी, संघर्ष की बात करनी होगी। अगर गलत हो रहा है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य प्रखंड समिति में वो दम है, मुझे पता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथी गांधी में वैसे आदमी जो यार साथी है, अगर वे संकल्प ले लें तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के पूरे बड़े आंदोलन की शुरुआत हो सकती है, और उस आंदोलन में निश्चित रूप से पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथी भी आपका सहयोग करेंगे, तमाम साथी जो मंच पर है वैसे लोग भी सहयोग करेंगे। आज जो भ्रष्टाचार की बातें होती है आम मंचों पर होती है, तमाम लोगों की जवाबदेही है। प्रखंड समिति गांडे के संयुक्त कार्यक्रम है, इनका संचालन झारखंड मुक्ति मोर्चा ओर से किया जा रहा है। हम आग्रह करेंगे स्मारक समिति के अध्यक्ष, हमारे अभिभावक और हमेशा दुख सुख के साथी रहे उस्मान चचा जी से कि वो आए और आप अपनी अध्यक्षता में